हे गाइस व्हाट्स अप ऑन द सेकंड टू दिस शो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत करते हैं आप लोग का इस शानदार नज़ारे और छोटी छोटी नन्नी मुन्नी भेड़ों के साथ। ऊपर के पहाड़ों पर देखिए कितनी स्नो है, कितनी हाइट पे वो पहाड़ है। कश्मीर में वैसे मैंने सुना है कि ट्रैकिंग भी होती है, मतलब ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि उन हाइट्स पे जब ट्रैकिंग करते होंगे लोग तो क्या वो नज़ारा उनके लिए होता होगा, कितना सुंदर होता होगा। सामने देखिए ये स्नो है, शायद पता नहीं चल रहा कि मिट्टी ऐसा लग रहा है, बट जी हाँ स्नो ही है ये। आप देख रहे हैं बीच में से कैसे पहाड़ के बीच में से पूरा एक रास्ता कटा हुआ है जहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है और फिर स्नो है, स्नो के नीचे से पानी आ रहा है और ये भी पूरी स्नो है, आगे पूरी बर्फ है, ये इतनी ज़्यादा बर्फ है। पहाड़ के बीच में से ये रास्ता कट के आया हुआ है, वहाँ से स्नो पूरा ग्लेशियर पिघल के नीचे आता है। पानी कैसे गिर रहा है, स्नो के नीचे नीचे से पानी यहाँ से निकल जाता है, ऊपर से ऐसा लगता नहीं कि पिघल रही बट अंदर से बिल्कुल से पिघलती रहती है। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ये सामने ऊपर देखिए सोनमर्ग के नज़ारे, पूरा वाइट पीक है ऊपर, स्नो ऊपर अच्छी खासी। यो मान चाय पे यहाँ रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, इधर अच्छा है। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके इधर थोड़ा वादियों का नज़ारा लेके हम निकलेंगे आगे, चाय के लिए किधर जाएं, इस पे चले, इस पे यहाँ इधर घुमा लो चाय। भैया चाय होगी? हाँ सर, चाय चाय चार चाय कर देना, बढ़िया चाय कर देना, चार चार चाय यहीं पे दे देना, भारी दे देना। हाँ हाँ खा लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ ऊपर नहीं जाना, आ जाओ तो आप मेरे पीछे सोनमर्ग का ग्लेशियर देख सकते हैं।
पूरे उसके ऊपर स्नो है पूरा, और पूरा ये बहुत बड़ा वैली है जहाँ सोनमर्ग जो लोकेशन है, आपको चारों तरफ मैं दिखाता हूँ कितना सुंदर है। ये देखिए ये सामने एकदम फुल बर्फ, और बीच में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लेशियर। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्नो आएगी, स्नो में बाइक ड्राइव करना पड़ेगा, रोड पे नहीं होगा साइड में होगा, और बहुत मज़ा आएगा। ठंड बहुत लगेगी, बस ठंड तो लगेगी। अच्छा कुमार हमारे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल। कल तो एकदम शिकार में एंजॉय किया, आज यूँ यहाँ एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करना है एंजॉय करते रहेंगे, एंजॉय करना है एंजॉय करते रहेंगे। वी आर राइडर्स। तो अभी हम सोनमर्ग से निकल रहे हैं, और अभी यहाँ पे लोकल हमने लोगों से पूछा, उन्होंने बताया दो जिला पास पे काम चलता है तो दो तीन घंटे के लिए बंद रखते हैं। किसी ने बोला 11 बजे से काम स्टार्ट होता है, किसी ने बोला 12 बजे तक, अभी 10:30 बजे हैं। यहाँ से दो जिला पास अभी 10 किलोमीटर के आसपास है, विच मीन्स इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स मोर। तो ट्राई करते हैं अगर काम अगर चल रहा होगा उससे पहले थोड़ा जल्दी निकल सके, अदरवाइज वो 1 या 2 बजे के बाद छोड़ते हैं आगे क्रॉस करने के लिए। तो तब तक हम वहाँ पे रुकना होगा हमें, अगर जब अगले आधे पौने घंटे में जल्दी ना नहीं पहुँचे। इतने छोटे छोटे प्यारे से मेमने यहाँ पर, A345 निम्मू 312, कारगिल 119, द्रास 62-23, डूमरी 15, कारगिल 119। Let me take a photo. काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। आप नोटिस कर रहे होंगे इस पूरे रास्ते पे रोड पे पूरे पत्थर पत्थर पड़े हैं, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग एरिया है, यहाँ पे ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। तो ये सभी पत्थर पूरा सड़क पे कहीं ना कहीं पड़े हैं। वेलकम्स यू एंड वी से थैंक यू।